पेटीएम वॉलेट से कैसे पैसे ट्रांसफ़र करें अपने बैंक अकाउंट में या फिर किसी के भी बैंक खाते में। दोस्तों यही क्वेश्चन मुझे काफ़ी व्यूअर्स ने बार बार पूछा, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सीख लेते हैं कि कैसे पेटीएम वॉलेट से हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में या फिर किसी के भी बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना है और लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले टैप करना है पासबुक पर। पासबुक पर आप टैप करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका पेटीएम वॉलेट शो हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा पेटीएम वॉलेट का जो बैलेंस है वो है 732.95 रुपये। तो चलिए इसके ऊपर हम टैप कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिखाई देते हैं, ऐड मनी टू पेटीएम वॉलेट, सेंड मनी टू बैंक, रिक्वेस्ट स्टेटमेंट। तो हमें जाना है सेंड मनी टू बैंक, हम यहाँ पर टैप कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पॉपअप दिखाई देता है कि अगर आप अपने वॉलेट से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं किसी के बैंक अकाउंट में या फिर अपने बैंक अकाउंट में तो आपको 4% फीस देनी होगी। अगर आपने यहां पर अपना बैंक अकाउंट लिंक कर रखा है तो आपको किसी भी तरह की कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो चलिए यहां पर हम आई अंडरस्टैंड कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, IFSC कोड डालना है और अमाउंट डालना है। तो यहाँ पर आप अपने अकाउंट में अगर सेंड करें तो अपना अकाउंट नंबर डालें या फिर अपने फ्रेंड या किसी के भी आप अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर भर दीजिए। तो चलिए जल्दी से हम इसे फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरी डिटेल को फिल कर दिया है, अकाउंट नंबर, नाम, IFSC कोड और यहाँ पर अमाउंट। तो हमने यहाँ पर 100 रुपीज अमाउंट डाल दिया है। ऊपर आप देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस है 732.95 रुपये। नीचे की ओर आ रहा है प्रोसीड, तो हमें यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 रुपीज अमाउंट है, 4 रुपये फीस लगेगा, यहाँ पर टोटल होगा 104 रुपये और जाएगा इस अकाउंट नंबर में। तो यहाँ पर आपको 4 रुपये फीस देनी होगी। हालाँकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फीस ले रहा है पेटीएम। अगर आप दोस्तों यहां पर पैसे नहीं देना चाहते हैं, ज़ीरो चार्ज पर आप सेंड करना चाहते हैं तो आप यहां पर बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने वॉलेट से पैसे भेजना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एक बिजनेस अकाउंट बनाना होगा। अगर आपको बिजनेस अकाउंट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, हम जल्द ही कोशिश करेंगे उस पर भी एक वीडियो लेकर आएँ। तो यहाँ पर आपको कन्फर्म कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहां पर आप कंफर्म करते हैं तो आपके मोबाइल पर एक OTP आता है, जिस मोबाइल नंबर से आपने पेटीएम पर रजिस्टर करा हुआ है अपना अकाउंट। तो मुझे OTP आ चुका है मेरे दूसरे मोबाइल पर, तो चलिए जल्दी से हम OTP डाल देते हैं। तो यहां पर दोस्तों हमने OTP डाल दिया है, अब हमें यहां पर करना है इसे वेरीफाई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो 100 रुपीज़ है वो यहाँ पर भेज दिए हैं और यहाँ पर मुझे दूसरे मोबाइल पर बिल्कुल मैसेज आ चुका है मेरे बैंक की तरफ से। और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, द अमाउंट हैज़ बीन डिटेक्टेड फ्रॉम योर वॉलेट, मेरे अकाउंट वॉलेट से पैसे कट चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने पेटीएम वॉलेट से पैसे भेज सकते हैं अपने अकाउंट में या फिर किसी के भी बैंक अकाउंट में। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि आप कैसे अपने बैंक अकाउंट में या फिर किसी के बैंक अकाउंट में पैसे कैसे भेज सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। एंड अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अब आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।